नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉसी घो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो आर्टिकल है ये एआई के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। कैसे जिम्मेदारी से हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे आने वाला जो दौर है ये एआई का ही रहने वाला है जैसे हमें पता है, तो कैसे हम दूसरे मानक जो है जो मनुष्य के लिए ज़रूरी होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एआई को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, इसका काफ़ी जिम्मेदारी से हम यूज़ कर सकते हैं, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये यूएस और भारत के संबंधों के जो व्यापारिक और आर्थिक संबंध है उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम इसे और अच्छा बना सकते हैं जो कि दोनों देशों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। उसके बाद में जो तीसरा आर्टिकल है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में है कि ये राइटर ने इस आर्टिकल में संक्षिप्त में बताया कि कैसे ये एक हिडन पेंडेमिक के छुपी हुई महामारी है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है, तो उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले आपको लॉ सीखो के प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो कोर्स है ये क्लैट के लिए कोर्स है, ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है, 100 रुपये की राशि में अवेलेबल है। तो अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है यहाँ पर, वह यह है कि लॉ सीखो के मेन चैनल पे जो हमारा TNA दैनिक समाचार विश्लेषण आया करता था अब से वो नहीं आएगा। तो ये आना बंद नहीं होने वाला है, ये आएगा, लेकिन उसके लिए आपको लॉ सीखो के जुडिशरी टेस्ट प्रेप ग्रुप प्रेप चैनल या लॉ सीखो क्लैट प्रेप चैनल या लॉ सीखो हिंदी चैनल, अगर आप सिर्फ हिंदी विश्लेषण देखते हैं तो इन पर जा सकते हैं। तो आप इनमें से जो भी चैनल चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो आप तीनों चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए जरूर याद रखिए कि लॉ सीखो जुडिशरी टेस्ट प्रेप, लॉ सीखो क्लैट प्रेप या लॉ सीखो हिंदी चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का MCQ देखते हुए यह है कि रीहैब प्रोजेक्ट रीहैब निम्न में से किसका इनिशिएटिव है। आपका ऑप्शन ए है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो जरूर बताइएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न आज का देख लेते, वो यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। आपको चर्चा करने की कौन सी इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं और ऐसे कौन से कदम या रास्ते हो सकते हैं जिससे हम इस समस्या से निदान पा सकते हैं। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए रिस्पॉन्सिबल AI के बारे में बात करते हैं जो हमारा पहला आर्टिकल है। तो नीति आयोग ने हाल ही में एक यहाँ पर स्ट्रेटजी आउट की है, रिलीज की है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल स्ट्रेटजी। तो ये जो स्ट्रेटजी है काफ़ी मानकों को ध्यान में रख के रियल एक रिलीज की गई है। इसमें ये फेयर रहनी चाहिए, निष्पक्ष रहनी चाहिए, इंक्लूसिव रहनी चाहिए, समावेशी रहनी चाहिए और जस्ट रहनी चाहिए कि यहाँ पर ये न्यायपूर्ण हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक इन्होंने अपनी यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर रिलीज करी है। नीति आयोग ने एक रिस्पॉन्सिबल AI एक स्ट्रेटजी एक्चुअली रिलीज करी हुई। तो यहाँ पर जब भी हम AI की बात करते हैं तो इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि भविष्य में जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी हद तक जो है वो AI पर निर्भर हो जाएंगी। एक समय था जब हम ये सोचा करते थे कि रोबोट्स आएंगे, रोबोट्स कैसे काम करेंगे, क्या रोबोट्स मानव के जो मस्तिष्क है उसको हाईजैक कर लेंगे। वो चीज़ को कहीं ना कहीं आज वास्तविकता मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि हमसे ज़्यादा हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है उसको जानते हैं। तो आज आप देख सकते हैं AI कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि AI एक रिस्पॉन्सिबल AI हो, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या पोटेंशियल है AI का, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये। तो
क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए हो, जैसे एग्रीकल्चर कृषि में यील्ड बढ़ाने से रिलेटेड हो, उत्पादकता बढ़ाने से रिलेटेड हो, या फिर बिजनेस में प्रोडक्टिविटी की बात हो, या यहाँ पर क्रेडिट को एक्सेस करने की बात हो, ये आपको एआई बहुत आसानी से प्रोवाइड करता है। जैसे धनी जैसे ऐप जो है वहाँ पे आपको मिनटों में लोन मिल जाता है, फिर सिर्फ पर्सनल लोन नहीं, उसके अलावा अगर आप होम लोन जैसा भी चीज़ प्रोडक्ट लेना चाहे तो वहाँ पर वो भी आपको मिनटों में आजकल ऑनलाइन ही सैंक्शन लेटर मिल जाता है, जिससे पता लगता है कि एआई के चलते कितनी ज़्यादा मदद हो गई है पूरे सिस्टम में। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैंसर डिटेक्शन के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी मदद कर रहा है। उसके अलावा कुड कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 50 ट्रिलियन टू वर्ल्ड इकोनॉमी बाय 2030। तो इस आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं कि 2030 के अंत तक ये करीब करीब $15 ट्रिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड की इकोनॉमी में कर सकता है, जिससे जो हमारी ग्लोबल GDP है ये 14% तक बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी ये, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है उसमें भी ये कहीं ना कहीं मदद करता है। तो इसे अनेबल करने में, इसको लागू करने के लिए ये 79% तक AI मदद करेगा। ये स्टडी जो नेचर के द्वारा कंडक्ट की गई है उनमें उन्होंने ये बताया है। लेकिन इसके डार्क साइड भी कुछ है। इसके डार्क साइड ये है कि कहीं ना कहीं जैसे जब कंप्यूटर आया था तो जो मैनुअल वर्क हुआ करता था वो हट गया, जिससे वर्कफोर्स कम लगने लगी। तो AI जब आएगा तो ये कंसर्न है कि जो लो इनकम वर्कर्स हैं उनका वर्क अपने आप में ख़त्म ही हो जाएगा। उसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न्स भी है, निजता से जुड़े हुए मुद्दे भी है कि निजता भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में अगर देखें तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो उस पर भी हम अभी विस्तृत और बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे AI रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, जवाबदेह हो सकती है। सबसे पहले तो इथिकल ग्राउंड रेल्स की बात करिए कि यहाँ पर इथिकली इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सोसाइटी में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और AI के कारण हमें एक डिवाइड देखने को मिल रहा है, जो डिवाइड सोसाइटी के लिए ऐसे सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। उसके अलावा इसने बहुत सारे बायसेस को भी जन्म दिया है टेक्नोलॉजी ने, AI को, जो अभी तक हम देख रहे हैं। उसके अलावा बोथ गवर्नमेंट एंड AI टेक्नोलॉजी कंपनीज शुड सॉल्व द चैलेंजेस थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा कि OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पर एक रेगुलेशन लेकर आई है गवर्नमेंट की, आप अपनी स्वयं की गाइडलाइन फॉर्म कीजिए। तो ऐसे कदम हमें उठाने की आवश्यकता है। अभी जब हमारा मार्केट, डिजिटल मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद में हम अभी विचार कर रहे हैं कि ऐसे कोई गाइडलाइंस आए, तो AI अभी और इवॉल्व होना बचा है। इसके इवॉल्व होने के पहले ही, इसके इंट्रोड्यूस होने के पहले कि हमारी लाइफ कोई ड्रास्टिकली प्रभाव में डाले, उससे पहले ही हमारे पास में यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन जो है एक मैकेनिज्म तैयार होना ज़रूरी है। उसके अलावा डेवलप ब्रॉड बेस्ड इथिकल प्रिंसिपल कल्चर एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर इथिकल प्रिंसिपल तैयार करने की आवश्यकता, एक कल्चर की पूरी परंपरा इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। उसके अलावा आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है, किस तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे कि मानव को ज़्यादा प्रभाव इससे नहीं पड़े, उस हिसाब से भी आपको आपका कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा UN सेक्रेटरी जनरल रोड मैप ऑन डिजिटल कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि AI ऐसा आने चाहिए जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पर सब विश्वास रख सके, ये ह्यूमन राइट बेस्ड हो, कि मानव जो अधिकार है उन पर ये निर्भर, मानव अधिकार का ये हनन ना करे। उसके अलावा ये सेफ हो, सस्टेनेबल हो, सतत हो। उसके अलावा ये शांतिपूर्ण रहे कि इससे कोई हमारे समाज में अराजकता न फैले। तो चलिए, अगर हम रिस्पॉन्सिबल AI के प्रिंसिपल की बात करें तो वहाँ पे फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिलायबिलिटी सुरक्षित होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, निजता का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही सुरक्षित हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो। तो ये कुछ एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स है जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है जब भी हम रिस्पॉन्सिबल AI की बात करें। दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री ने यह प्लान करा है कि वो $500 बिलियन का एक बायलेटरल ट्रेड जो है भारत और US के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये अचीव करने की बात जो है ये 2036 तक की गई है, उसके लिए ज़रूरी है कि CAGR जो है ये दर वर्ष करीब 12% की
एक मानक पर बढ़े तब ये हम तय कर सकते हैं। उसके अलावा की एरिया फॉर कोलैबोरेशन, ऐसे कौन से एरिया है जहां पर कोलैबोरेशन किया जा सकता है, तो सबसे पहला है कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल कंटेनमेंट ऑफ द वायरस, रिवाइव द यूएस इंडिया हेल्थ डायलॉग एंड म्यूचुअली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड। तो आपको जो स्वास्थ्य क्षेत्र है यहाँ पर आपको साथ में काम करने की आवश्यकता है, खासकर वायरस इस जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, कोविड ने हमको एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, तो इसको देखते हुए जो हमारे हेल्थ के एरियाज है वहाँ पर दोनों को साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है, जो कि एक बिजनेस का भी बहुत बड़ा, ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। उसके अलावा स्ट्रेंथन द मैक्रो ट्रेड आर्किटेक्ट एंड ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट, तो जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इनको भी अपने आप में मजबूत करने की आवश्यकता है। जीएसपी जैसे कदम हो सकते हैं जहां पर एक प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यूएस की पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह के लिए एक प्रिफरेंशियल जीएसपी के अंतर्गत ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वैसे आप ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी बातें इनिशिएट कर सकते हो, उसे भी मजबूत बना सकते हो। उसके अलावा प्रोफेशनल लेबर जो है उसका मोबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, कहते हैं यूएस को बनाने के लिए वहाँ पे माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो जैसे हमको ट्रम्प सरकार के टाइम पे ये देखने को मिला था कि यहाँ पर H1N1 जो वीज़ा हुआ करता था वो बंद ही कर दिया गया था, जिससे बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल मोबिलिटी होती थी वो बंद हो गई थी, तो इसको भी हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रीज टाइस, डिफेंस डायलॉग इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर्स एंड बोथ साइड्स, तो डिफेंस इंडस्ट्री जो है यूएस की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री मानी जाती है, सुरक्षा इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, तो इसे भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, केवल सरकार के लेवल पे नहीं प्राइवेट लेवल प्लेयर्स जो है उनके लेवल पर भी यहाँ पे डायलॉग की आवश्यकता है। उसके अलावा SME जो है, जो मध्य और लघु उद्योग है, इनके बीच में भी एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी में भी एक एंगेजमेंट की यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप, पिछले आर्टिकल में हमने बात करा ये AI जिस प्रकार से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है उसमें भी हम फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, ये कुछ और अलग एरिया से जहाँ पर हम दोनों देशों की एक ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड बायलेटरल जो गतिविधियाँ है, एक्टिविटीज़ है, वो कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा आर्टिकल जो है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की बात की गई थी हमारे पीएम मोदी के द्वारा, तो यहाँ पे इन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो भारत को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वास्तविकता अगर में अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट में थोड़ा हॉल्ट लगा कोविड के चलते हुए, जो कि टारगेट पूरा हुआ होता हुआ नहीं दिखता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक से जो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में हमको काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रूप में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट काउंटर मेजर जैसे जो प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें C2 सोर्स गंगेज की बात की गई है, जिसमें भारत और बांग्लादेश को साथ में लाकर जो गंगा रिवर का बेसिन है इसको साफ किया जाए, प्लास्टिक मुक्त किया जाए की बात की गई है। यहाँ पर इनके द्वारा एक स्टडी, होलिस्टिक स्टडी की गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली है। तो चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे हम इससे निदान पा सकते हैं और ये कैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और अभी इस पैंडेमिक के दौर में ये कैसे एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा। तो अगर देखें द प्लास्टिक हॉल्टेड ऑल प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पर जैसे मैंने कोविड के दौर में बताया कि सारा हमारा फोकस जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम पे डाइवर्ट हो गया, तो यहाँ पर जो जो प्लास्टिक को ख़त्म करने की बात की गई थी, जो पूरा प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं अपने आप में हॉल्ट हो गया, रुक गया थोड़े समय के लिए। तो ज़रूरत है कि हम वापस इसे पुनः उस स्पेस में लेकर आए। उसके अलावा प्लास्टिक का यूज़ बहुत बढ़ गया, मास्क हो, सैनिटाइजर बॉटल्स हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, फूड पैकेजिंग हो या वाटर बॉटल्स हो। आप अगर आप आज रेस्टोरेंट में जाते हो तो बहुत सारे रेस्टोरेंट तो ऐसे हो गए जहाँ पर आपको वाटर की जगह सिर्फ एक बिस्लेरी की बॉटल जो है वो सर्व की जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन को मिनिमाइज करना है। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कोविड में हमको बढ़ता हुआ दिखा, जो एक बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा ओनली 9% ऑफ ऑल ओवर प्लास्टिक
अभी तक जो जितना भी हमारे वर्ल्ड में प्लास्टिक है उसका केवल 9% ही जो है वो अभी तक रिसाइकल हो पाया है। उसके अलावा 79% प्लास्टिक जो है वो हमारी लैंडफिल्स में है, जो कचरे के ढेर लगे हुए रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं है, या वो इधर उधर जमीन पे ही फैला हुआ है, जो कि हमारी मृदा में भी एक पॉल्यूशन फैला रहा है। उसके अलावा स्टेप्स नीडेड, तो कौन कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला, इंश्योर वेस्ट कलेक्शन इज सेम पेस एज वेस्ट जनरेशन। तो वेस्ट जनरेशन जिस पेस पर हो रहा है, जिस गति पे हो रहा है, उस गति पे हमको जरूरत है कि हम वेस्ट का कलेक्शन भी करें। उसके अलावा, सेग्रीगेट वेस्ट एंड यूज्ड प्लास्टिक अर्ली इन द वेस्ट टू वैल्यू साइकिल। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेग्रीगेशन करने के बाद में ही आप एक वैल्यू साइकिल में प्लास्टिक को डाल सकते हैं। उसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड्स जो है वो भी आप निजात पा सकते हैं। ऐसी कौन से अल्टरनेटिव वेज है जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हमें ये न्यूज़ देखने को मिलती है, जैसे कल ही हाल ही में एक जगह एक एक जो रिसर्चर्स थे उनके द्वारा ये इन्वेंट किया गया कि किस तरीके से हम जो फिश का वेस्ट है उससे भी प्लास्टिक बना सकते हैं। सोया से भी प्लास्टिक बनाने की बात की गई है। तो ऐसा प्लास्टिक भी हम अल्टरनेटिव प्लास्टिक, अल्टरनेटिव मीन्स तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा, कंसिडर प्लास्टिक पॉल्यूशन एज अ सोसाइटी वाइड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्लास्टिक जो है ये पॉल्यूशन है, एक प्रदूषण है। ये केवल एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी एट ए लार्ज लेवल वाली प्रॉब्लम है। तो इसको एड्रेस करना और इसको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम भारत में देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 11 किलो जो है एवरेज एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन होता है प्लास्टिक का। मतलब प्रति व्यक्ति 11 किलो वो एक वर्ष में प्लास्टिक का यूज करता है। तो इसे समझ सकते हैं कितना ज्यादा प्लास्टिक का हम यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं आप। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।